बिना सोचे समझे टाटा नेक्सॉन उठा लो। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पावर की कोई कमी नहीं उस गाड़ी के अंदर। एक टाइम था जब मैं इस शोरूम में काम करता था। गरीबी आ रही है भाई, गरीबी, कतई गरीबी। ऐसा रिमोट देखा आपने कभी अपने घर का? तो भैया आज ने एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था और बड़ा मन से बैठा हुआ था कि यार जल्दी से मतलब फ्रेश व्रेश होके निकल जाऊंगा और वीडियो शूट करके आनी है, पहले वो शूट करके आऊंगा, ठीक है। बट घर वालों ने ऐसी जिंदगी खराब कर दी ना सुबह उठते ही, पहले ये लेकर आओ, पहले वो लेकर आओ, पहले ये लेकर आओ, पहले वो लेकर आओ, और ये लेकर आओ और वो लेकर आओ, मैं भी दिखाता हूँ आपको क्या लेकर आओ। और जिसकी वजह से मुझे ना 10 से 12 किलोमीटर आना पड़ा है, समझ रहे हो बात को, 10 से 12 किलोमीटर एक जरा सी चीज के लिए आया हूँ मैं। अभी दिखाता हूँ आपको किस चीज के लिए मुझे सुबह से टॉर्चर किया जा रहा है घर के अंदर, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भैया आज बात करने वाला हूँ टाटा पंच या टाटा नेक्सॉन, दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जो कि वैल्यू फॉर मनी हो और जिसे आप लॉन्ग टाइम चला सकें और बोर ना हो बिल्कुल भी, समझ रहे हो बात को। क्योंकि जो भी बंदा गाड़ी लेता है एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 साल रखने के लिए गाड़ी लेता ही है भाई। अगर पेट्रोल की लोगे तो 15 साल, डीजल की लोगे तो 10 साल। पेट्रोल ही आ रहा है, डीजल तो अब मेरे हिसाब से बहुत ही कम हो गया है। तो पहले अरे यार ये कहाँ से आ गया? तो एक मिनट, एक बंदा दिख गया जो किसी टाइम पे मेरे साथ में ही काम करता था। अच्छा हाँ, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं यहाँ काम कहाँ करता था। मैं पहले जॉब करता था और कहाँ जॉब करता था वो भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको बस। अब फिलहाल वो तो निकल गया यार, मुझे लग नहीं रहा कि मैं अब वहाँ जाऊँगा और वो मुझे मिलेगा, देखते हैं। एक तो यार जाम, आज जाम किस चीज़ का है भाई? सैटरडे को जाम का कोई मतलब बनता है क्या? मतलब आज यार ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये आज मेरे साथ। रेड लाइट है क्या? कतई घुसेड़े जा रहा बंदा, बिल्कुल भी ये नहीं है भाई इन लोगों ने। और वो कौन सा है, वो ग्रामीण सेवा वाले तो खैर बेचारे अब कम हो गए हैं, एक तो ये टम्पू वाले और दूसरा भाई वो बैटरी रिक्शा वाले। ऐसी जिंदगी खराब कर रखी है ना इन लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं भाई, बिल्कुल घुसेड़ देते हैं, सोचते नहीं है, बस जहां मिले जगह वहां घुसेड़ दो और जगह ना भी मिले तो भी घुसेड़ दो। मेरी गाड़ी में डेंट मारा था एक बैटरी रिक्शा वाले ने, पता है ना आपको, याद होगा शायद, दिखाया ही होगा मैंने, ठीक है। तो मैं ना इनसे बहुत खुन्नस में हूँ, बस मैं क्या ही बोलूँ आपको इनके बारे में। तो बाकी यहाँ मुझे जगह मिलने वाली है नहीं पार्किंग के लिए, सोच रहा था यहीं गाड़ी लगा दूंगा, अगर कुछ समझ में आएगा तो एक आधी टी शर्ट ले लूँगा और वहाँ से मुझे वो सामान लेना है। तो पहले गाड़ी लगाने की जगह ढूंढता हूँ यार, कहीं गाड़ी लगाने की जगह मिलती है तो फिर पहले अंदर ही चलते हैं, फिर उसके बाद में सामान लेते हैं। क्या लगता है जगह मिलेगी भाई? लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग खड़े हैं ना, मुझे नहीं लगता आज जगह मिलने वाली है। क्या करूँ? A few moments later. तो finally भाई सामान तो ले लिया है और ये रहा वो भारी भरकम सामान जो मुझे लेना था, ठीक है। इस रिमोट के पीछे ना सुबह से मेरी जिंदगी खराब कर रखी थी घर वालों ने, और कपड़े भी ले लिए। वैसे आपको बताने वाला था मैं काम कहाँ करता था। तो एक टाइम था जब मैं इस शोरूम में काम करता था, ठीक है। अब वो मैंने छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा बाद में। आप ये सब चीज़ें छोड़ दो, हर इंसान को होता आगे बढ़ने का, सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बस वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। एक मिनट भाई, गर्मी इतनी तेज़ हो गई ना जिसकी कोई हद नहीं, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। देख रहे हो कपड़े, खर्चा हो गया यार, मतलब आजकल पता नहीं क्या पनौती से लगी हुई है, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, जिसकी कोई हद नहीं भाई। निकलने दो। तो यार खर्चे की बात करूँ तो सीरियसली सही बता रहा हूँ आपको मैं ना, आजकल ना खाना का खर्चा बहुत ज़्यादा होने लगा है। मतलब घर पे पहले तो पानी की मोटर जो होती है ना वो ख़राब हो गई तो वो लानी पड़ गई, ठीक है। मोटर खराब हुई, रात को एसी चलाया, एसी खराब हो गया तो अगले दिन एसी लाना पड़ा, ठीक है। और अब ये पनौती है, देख रहे हो ये, अब ये रिमोट, अब ये खराब हो गया तो ये रिमोट लेने के लिए अब यहाँ आना पड़ा। मतलब भैया अपनी तो जिंदगी ना घर बार में बीत जाएगी, यही काम करते रह जाएंगे हम तो। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी ऐसे लाओ और कभी वैसे लाओ, पैसे पूछे कहीं से आ नहीं रहे। तो भैया फिलहाल यूट्यूब बाबा आप हमें 70 रुपये दे रहे हैं रोज के, समझ रहे हो आप बात को, मतलब इतने बुरे दिन आ गए, 70 रुपये में काम करना पड़ रहा है। खैर यार काम की कोई वो नहीं है, मेन चीज ये है कि यार बस ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस हिसाब से मैं बढ़ रहा हूँ ना, मुझे आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, सब कुछ जो मिल रहा है,
मैं सच बता रहा हूँ, मुझे वो 70 रुपए भी नजर ना आते, मुझे ना चाहिए 1 रुपया भी। जो मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ, नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज की डेट में ऊपर वाले की जैसे बहुत कुछ है, फालतू के चक्करों में अपना आपका भाई बढ़ता नहीं है। फिलहाल रेड लाइट हो रही है, जाम बहुत ज्यादा है, शनिवार होने के बाद भी जाम बहुत ज्यादा है। मतलब इसको ना देखे देखे गुस्सा भी आ रहा पता है। और ये जो रिमोट की हालत देखो, ये हालत है देखो, गरीबी आ रही है भाई, गरीबी कतई गरीबी। ऐसा रिमोट देखा आपने कभी अपने घर का भाई? बस पूछो मत क्या हालत कर रखी है घर वालों ने तो बस। और हाँ, अरे यार सॉरी मैं भूल गया था, टाटा पंचो टाटा नेक्सोन में कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए? तो भाई ऐसा है, अगर आपका थोड़ा सा बजट अच्छा है तो भैया टाटा नेक्सोन उठा लो, बिना सोचे समझे टाटा नेक्सोन उठा लो। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पावर की कोई कमी नहीं है उस गाड़ी के अंदर, पावर भी अच्छा खासा है। दूसरा सेफ्टी के मामले देखो तो 5 स्टार की रेटिंग है, मतलब सब कुछ टाटा पंच जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। बट ये है कि थोड़ा बॉडी साइज बड़ा है, पावर आपको टाटा पंच से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, लॉन्ग टाइम आप अगर सोच रहे हो आप उसको बहुत लंबे टाइम में आपको रखना है तो आप जल्दी से इन गाड़ियों से बोर नहीं होगी। अब मैं टाटा पंच की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं बजट की बात कर रहा हूँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो, नहीं है तो टाटा पंच उठा लो, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। बस थोड़ा सा मैं बार बार एक ही चीज को बोलता हूँ और मैं उस चीज से पलटूंगा नहीं। ठीक है, टाटा पंच में पावर की कमी है भाई, थोड़ी सी कमी है पावर की, इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा ही कमी है, थोड़ी सी कमी है पावर की। अगर वो भी कंपनी सुधार देती है ना तो भाई मैं कह रहा हूँ इससे बेटर कोई गाड़ी नहीं है। फिलहाल अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो भैया टाटा नेक्सोन उठा लो, टाटा वन से बेटर है। ठीक है, और भाई प्राइस के हिसाब से देख लेना, अब मेरे कहने मत जाना। ठीक, मैं तो बाकी सिर्फ आपको राय दे सकता हूँ कि उसमें थोड़ी सी पावर ज्यादा है, टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है और बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर जो आपको टाटा पंच में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, ऊंची ज्यादा है और मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, पैसे भी तो ज़्यादा है भाई, बट थोड़ा सा बजट देख के बात कर रहा हूँ। अगर आपको टाटा पंच अच्छी लगे टाटा पंच ले लो, टाटा नेक्सोन अच्छी लगे टाटा नेक्सोन ले लो। और आप फिलहाल जाम देखो, देख रहे हो आप लंबा चौड़ा जाम, लंबा चौड़ा जाम, पता नहीं क्या ही हो रहा है यार आज तो भाई हर जगह ही जाम है। मंत्री पंत्री तो ना रहा कोई, ये देखिए ये जरूर कोई मैडम होगी गाड़ी चलाने वाली, मतलब यार बिल्कुल ही शर्म ना आती कहीं भी बाहर। तो ओहो मैडम ही भाई, चाटे वाटे मार देगी मेरे, थोड़ा साइड ले लूँ पहले, इनका कोई भरोसा भी ना होता, ठोक के गाड़ी बगेंगी मेरे कोई, मतलब पहले तो गाड़ी ठोक देगी फिर उसके बाद गाड़ी बगेगी। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियाँ गाड़ी अच्छी नहीं चलाती, लड़कियाँ गाड़ी बहुत अच्छी चलाती हैं बट तब चलाती है जब रोड खाली हो। अब इसको गलत व्यू में मत लेना, पहले यहाँ से निकल जाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है खामखा, आप भी बोर हो जाओगे यार ट्रैफिक देख देख के। पहले घर पहुँचता हूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ, घर नहीं पहुँचूंगा मतलब पहले ही पहुँच जाऊँगा घर के। आपको लैटरिंग बाथरूम ना दिखा रहा मैं, टेंशन मत लो, मेरे चैनल पर ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। होटल के जरूर दिखा दूंगा मैं आपको, करके भी दिखा दूंगा बाकी होटल के दिखा दूंगा, बाकी घर वर का कोई लेना देना नहीं है। तो पहले यहाँ से क्रॉस करता हूँ यार, मुझे पता है यहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा कम से कम मुझे। A few moments later. Finally, भाई जाम से मुक्ति पाई मैंने और अब अपने वाले रोड पे आ ही गया। भाई आज है ना जाम बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर, बहुत ज्यादा जाम है, सच बता रहा हूँ आपको, बहुत लड़ झगड़ के निकल के आया हूँ मैं बस बड़ी मुश्किल से। तो बस अब घर पहुंच ही जाऊंगा, थोड़ी देर लगेगी बस घर पहुंचने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वैसे शाम को मूवी देखने का प्लान है, देखो कौन सी मूवी देखने को मिलती है। वैसे तो खैर कश्मीरी फाइल्स का ज़्यादा वो चल रहा है तो भाई आज वही देख आऊँगा, देखते हैं जैसे भी रहेगा आपको बताऊँगा जरूर। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। अभी के लिए बाय बाय।